मंशा बम का क्रिमिनल रिकॉर्ड लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया है। मंशाली खोखर उर्फ मंशा बम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत 80 मुकदमा दर्ज हैं। मजीद आगाह करेंगे उमर जावेद। उमर जावेद बताइए कौन है मंशा बम? जी, मंशा बम टाउनशिप का एक रिहायशी शख्स है जिसका पूरा नाम मंशाली खोखर है, और क्योंकि ये टाउनशिप के इलाके में इसने वहां से कब्जा करना शुरू किया था तो इसकी दहशत की वजह से इसके नाम के साथ बम जो था वो लग गया था और फिर इसको लोग वहां पे मंशा बम कहना शुरू हो गए थे। लेकिन ये फिर सिर्फ टाउनशिप तक ही नहीं रुका, ये बढ़ता गया है। दो रोज कबल अदालत आलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कहा था कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इसको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन लाहौर न्यूज ने इसकी खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उनका जो डाटा हासिल किया है उसके अंदर इसके खिलाफ 7 इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा मुकदमा जो दर्ज है वो टाउनशिप थाने में, जिनकी तादाद 28 है। जौहर टाउन थाने में इसके खिलाफ 24 मुकदमा दर्ज हैं। ग्रीन टाउन थाने में भी इसने अपने कब्जे करने नहीं छोड़े, वहां पे इसके खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज हैं। इसी तरह थाना नौलखा में, रायवंड में, इस्लामपुरा में और कोर लखपत में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। हैरानगी की बात यह है कि 80 से ज्यादा मुकदमा जिसके खिलाफ दर्ज है। मंशा बम का क्रिमिनल रिकॉर्ड लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया है। शुक्रिया उमर जावेद, अपडेट किया आपने।